हम मोदी को नहीं देख रहे यहाँ पे, हम अपनी सांसद जी को देख रहे हैं जो कम से कम दस साल में बिल्कुल भी नहीं दिखती है। काम तो बिल्कुल जीरो है। क्या सा है क्षेत्र में तो हमें पता ही नहीं, आज तक देखी नहीं, बारा नहीं। हम सबकी सम्मान सबका इज्जत करते हैं, कोई हमें मुर्गा देगा हम खाएंगे, दारू देगा खाएंगे, लेकिन वोट ओनली बॉबी पवार को मिलेगा। दस साल के कार्यकाल में एक भी काम गिना दो हम पूरे समर्थन देंगे उनका। चुनौती है, एक भी काम गिना दीजिए। हम भी कांग्रेस पार्टी वाले कट्टर, लेकिन इस बार बॉबी पवार एक तरफा। इस बार माला राज्य लक्ष्मी शाह दो बार जीत चुकी है, लेकिन वो चुनाव के बाद कहीं दिखती नहीं है, रानी वो बस महारानी बन के रह गई है। यो की तिलकन धड़कन बॉबी पवार, 9 लाख पार, 7 लाख पार वोटों से ये पैसों की बुलाई भीड़ ली है। ये युवाओं की धड़कन की दिल है। और ये अग्निवीर के बारे में अगर हम सही बताएं, दिल से बताएं, तो उत्तराखंड तो बिल्कुल अनाथ हो गया, अनाथ बिल्कुल अनाथ हो गया है। वो कहते हैं मंदिर लेकर के आए हैं, राम को लेकर के आए, वो हिंदुत्व वाला मुद्दा बात कर दी। ये बताइए मुझे, राम भक्ति आगे है या राष्ट्रभक्ति आगे है? राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है, क्या ये सारे राम भक्त नहीं है? अग्निवीर खासकर उत्तराखंड के लिए अभी साफ है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, या फिर यूं कह लें कि रणसिंघानाद हो चुका है। नॉमिनेशन की प्रोसेस उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, लगातार आपको वीडियो से दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर क्या क्या चल रहा है। अब डायरेक्ट ग्राउंड पर जाने का दिन है। कैमरे के पीछे मेरे साथ है राणा जी और मैं हूं घंटाघर पर। एक तरफ तो आपको एक खाली सड़कें और पुलिस हटाती हुई नजर आएगी, लेकिन अब टर्न कर लीजिए, ये है नॉमिनेशन की रैली, जो कि निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं बॉबी पवार बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं उनकी आज नॉमिनेशन की रैली है, और यहां से उनकी नॉमिनेशन की रैली आ रही है। तो चलते हैं इस रैली के अंदर, इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं। युवा इस रैली में ज़्यादा है तो उनसे जानते हैं क्या मुद्दे हैं, पिछले सांसद ने कितने काम किए, क्या किया, कैसा रहा सब कुछ, और इस रैली में क्या क्या हो रहा है। तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, कमेंट जरूर कीजिए पूरा वीडियो देखने के बाद, और फेसबुक पर फॉलो भी जरूर कीजिएगा। टिहरी लोकसभा सीट पर बॉबी पवार जो कि चुनाव लड़ रहे हैं उनका नॉमिनेशन है, और आप देखिए यहाँ पर ये एक बार फिर से वही सारे बेरोजगार हमें नजर आ रहे हैं, जो कि पेपर लीक हो मामला या फिर नकल वाला मामला हो, भू कानून मूल निवास वाला नाम मामला हो, उसको लेकर के सड़कों पर दे, और जौनसारी पूरे परिधान में, क्योंकि बॉबी पवार जो है जौनसार क्षेत्र के ही हैं, रणसिंघे के साथ, और ऊपर आप देखिए वहाँ पर बॉबी पवार वहाँ पर कंधे पर उठा दिए गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। बेरोजगार कहते कहते कोई व्यक्ति चुनाव लड़ गया तो हमारे नेताओं को सोचने की जरूरत है कि वो क्या कुछ कर नहीं रहे हैं, जो कि बेरोजगार को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। रोल है अभी शुरुआती तौर पर इस रैली में आकर के जो चीज़ें मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो बेरोजगार संघ के, क्योंकि अध्यक्ष हैं बॉबी पवार जी, तो बेरोजगार संघ में जितने भी बेरोजगार युवा हैं, लड़के हैं जो कोचिंग करते हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, वो तो इस रैली में अभी नॉमिनेशन रैली में एक बहुत बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। अब नाचने के अंदाज से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बेरोजगार युवा है वो इसमें बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि जौनसार बाबर का जो क्षेत्र है वहाँ से आए हुए बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वो होम प्लेस है, होम घर घर है एक तरीके से बॉबी पवार का, तो वहाँ के लोग भी अच्छे खासे आए हैं। अच्छा, पुलिस का जमावड़ा भी अच्छा खासा है और मीडिया का जमावड़ा भी अच्छा खासा है, क्योंकि बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते लड़ते एक व्यक्ति जो है अब सांसद का चुनाव लड़ रहा है, और एक बेरोजगार यानी कि एक सामान्य व्यक्ति रानी को चुनौती दे रहा है। तो अब बातचीत भी करेंगे यहाँ पर जो लोग नाच रहे हैं उनसे, तो ये रौनक होती है इलेक्शन की, और खास तौर पर लोकसभा चुनाव की, और खास तौर पर नॉमिनेशन के दिन की। टिहरी की जनता डाल रही है, बॉबी बॉबी बोल रहे हैं। टिहरी की जनता डाल रही है, बॉबी बॉबी बोल रहे हैं। टिहरी की जनता डाल रही है, बॉबी बॉबी बोल रहे हैं। बॉबी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बॉबी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे 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 आप सुनिए, नारे लग रहे हैं, बातचीत करते हैं। मैडम आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता चौहान है और मैं बंगाल से हूँ, आराकोट किराणू से हूँ, और मैं बॉबी की बुआ हूँ। अच्छा, बॉबी की बुआ है ये। अच्छा, आपके जो भतीजे हैं वो बेरोजगार थे और अब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं, और कितना प्यार जौनसार से खास तौर पर उन्हें मिलता है? ये हमें जो बॉबी पवार ने जो जितना भी संघर्ष करा बेरोजगार संघ के लिए, तो आज इस मुद्दे को उठाकर बॉबी, आज हम चाहते हैं कि, और उत्तराखंड की जनता चाहती है कि बॉबी सांसद में
गूंज जो आवाज आज सड़क में गूंज रही है वो हम चाहते हैं उत्तराखंड की जनता चाहती है कि आवाज संसद में भी गूंजे, संसद में भी गूंजे। अच्छा एक बात बताइए कि एक तरफ तो रानी है, महारानी भी उन्हें कहते हैं, एक तरफ बेरोजगार। देखो महारानी महारानी है, हमने कभी महारानी का नाम सुना है, कभी हमने शक्ल नहीं देखी है, लेकिन इस बेरोजगार युवा जिसने सड़क से जमीन से उठा वो संसद में भी उठेगा। और भी हमारे साथ है आंटी जी, आप बहुत बुजुर्ग भी लग रही है, आप रैली में आई हैं। हम भी टिहरी के हैं। कहाँ के हैं? टिहरी है, जम रहते गांव नैन बाग साइड। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है? हमारा तो मामा कोट है उधर। अच्छा, चौसार से। तो आप बॉबी पवार के पक्ष में यहाँ प्रचार कर रहे हैं? हाँ जी। आप पानी पी लीजिए पहले, आप थक गए होंगे, पी लीजिए। अच्छा क्या कहेंगे आप, बॉबी पवार एक तरफ है, एक तरफ रानी है बीजेपी की? नहीं बॉबी जी को। अच्छा और कोई नहीं है बॉबी जी को। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, नाम क्या आपका? रविंदर पवार। आज बॉबी पवार का नॉमिनेशन है, एक तरफ तो बेरोजगार है जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, एक तरफ रानी है भाजपा की, तो क्या लग रहा है आपको, कैसी टक्कर ये हो रही है? सर टक्कर यही है, हम तो बॉबी के सपोर्ट में, सारे लोग पार्ट से जितने भी है सारे बॉबी के सपोर्ट में इस बार। हाँ तो आपको लग रहा है कि बेरोजगारी और ये जो मुद्दे थे पेपर लीक, ये काम करेंगे? जी करेंगे, काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जौनसार बावर की और पूरी टिहरी विधानसभा की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है और उन्हें पता है कि हमारे हक की लड़ाई के लिए कौन लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है। ये जो राजतंत्र जो चलता आ रहा है ये इस बार जो है पूरी तरह से परिवर्तन होकर रहेगा, ये बेरोजगारों का साथ भी और पूरी विधानसभा लोकसभा की सीट जो टिहरी लोकसभा की जो सीट है सब लोग जो तन मन धन से बॉबी पवार के साथ, और इस बार निश्चित रूप से उनकी जीत होगी। एक बात बताइए कि बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होता है मोदी जी के नाम पे वोट मांगता है सर, और बॉबी पवार वर्सेस डायरेक्ट नरेंद्र मोदी आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, हम मोदी को नहीं देख रहे यहाँ पे, हम अपनी सांसद जी को देख रहे हैं जो कम से कम दस साल में बिल्कुल भी नहीं दिखती है, काम तो बिल्कुल जीरो है। हम चाहते हैं जो हमारा काम और हमारी हक की लड़ाई की आवाज उठाएगा हम उसके साथ तन मन धन से रहेंगे जो भी हो, क्योंकि सांसद मोदी तो हमारी ऐसी है पांच साल में चुनाव के टाइम दिखती है बस, काम के नाम पे बिल्कुल जीरो है। मैं सांसद मोदी से एक ही बात पूछना चाहूंगा कि आप अपना 10 साल के कार्यकाल में एक भी काम गिना दो हम पूरे समर्थन देंगे उनका। चुनौती है एक भी काम गिना दीजिए, मोदी के नाम पर वोट नहीं चलेगा इस। अच्छा। ये सब कुछ टिहरी की जो लोकसभा सीट की जो जनता है वो सब समझ चुकी है कि हम जो है मोदी के नाम पर वोट नहीं देंगे। अब चलिए उत्साह है इनके अंदर भी, मोदी के नाम पर वोट नहीं देंगे। और भी लोग यहाँ पर, भाई साहब क्या कहेंगे? हेलो एक तरफ तो रानी है भाजपा की। नहीं नहीं बिल्कुल जीरो जीरो खत्म, एक तरफा लाखों में बॉबी पवार। वैसे हम भी कांग्रेस पार्टी वाले कट्टर, लेकिन इस बार बॉबी पवार को एक तरफा। अच्छा अच्छा ये बात बताइए, बीजेपी कांग्रेस के में टक्कर है या बॉबी पवार बीजेपी में? बॉबी पवार एक तरफा, कोई टक्कर में ही नहीं, और कोई सिर्फ बॉबी पवार, लाखों वोट से जीत होगी बॉबी पवार की। आपके सांसद ने 10 साल में क्या क्या काम किए? 10 साल में कुछ नहीं हुआ, तभी उस बॉबी पवार को लाना है। रोजगार के मामले में जीरो, और हमें बॉबी भाई युवा नेता इसलिए हम उनका चुनना चाहते हैं। इस बार बॉबी पवार है, लाखों वोट से जीते बॉबी भाई। बिल्कुल देख रहे, सांसद ने 10 साल में कोई भी काम नहीं किया है और बॉबी बॉबी के नारे लग रहे हैं। चलते रहो आ जाओ कंटिन्यू। भाई साहब क्या है, कैसी टक्कर है बॉबी पवार की? भाई टक्कर देख लो आप, भीड़ के हिसाब से क्या लगता है आप लोगों को? अच्छा हाँ जी, सांसद ने 10 साल में काम किए, सांसद में दिवाल काम करेंगे, कोई टीरी का हमें देखता भी नहीं है क्या है क्या सा है क्षेत्र में, तो हमें पता ही नहीं, आज तक देखी नहीं। अच्छा। महारानी हमें वो बॉबी पवार है, हम सबकी सम्मान सबका इज्जत करता है, कोई हमें मुर्गा देगा हम खाएंगे, दारू देगा खाएंगे, लेकिन वोट ओनली बॉबी पवार को मिला। अच्छा सुनो एक बात सुनो, बीजेपी इस बार निर्दलीय। अच्छा निर्दलीय, एक बात सुनो कि लोकसभा का चुनाव है, लोग कहते हैं कि मोदी जी जब आते हैं प्रचार करने, मोदी कुछ नहीं हमारे, बॉबी भाई बॉबी मोदी हमारे लिए, बॉबी मोदी 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 जी 10 साल लगातार हो चुके हैं, हमने देख लिया है कि क्या किस तरह है, इसलिए बीजेपी ने वो सबको पता है। अच्छा एक करके बोलो। अच्छा बीजेपी कहती है कि हमने बहुत काम किए केंद्र में, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम वोट खराब नहीं करेंगे बीजेपी को देंगे, उसमें क्या काम किया बीजेपी? 2 करोड़ एक साल में नौकरी मिली किसी को? 2 करोड़ छोड़ो, 50,000 भी दो, क्या किया?
चलिए चलिए चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जो है आ जाओ, हाँ बॉबी पवार जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ठीक है, मुद्दे मुद्दे मुद्दा भाई जी, ये देखो उन्होंने छात्र संघ के हित में बहुत बड़ा काम किया है। वो उस टाइम खड़े हुए हमारे हित में जिस टाइम कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, इसीलिए अब की बार बॉबी पवार, बॉबी भाई को दिल से समर्थन है, हम सब उनके साथ है। सांसद दो बार जीत गई है महारानी माला राजलक्ष्मी शाह, लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार भी जीत जाएंगे, बीजेपी को लोग वोट देंगे। लेकिन बीजेपी को इस बार माला राजलक्ष्मी शाह दो बार जीत चुकी है, लेकिन वो चुनाव के बाद कहीं दिखती नहीं है रानी, वो बस महारानी बन के रह गई है। लेकिन वो बॉबी भाई हमारे छात्र संघ के हित में खड़े हैं, हम उनको अपना पूर्ण समय सहमत बहुमत के साथ इस बार विजय मनाएंगे। बॉबी भाई जिंदाबाद। ठीक है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आ जाओ, हाँ बोलो जी बोलो, बोलो। मेरा पहला वोट है, मैं पहला वोट बॉबी, फर्स्ट टाइम वोटर है आप? अच्छा ये फर्स्ट टाइम वोटर है भाई साहब, और किसको वोट देंगे? बॉबी पवार। क्यों देंगे? उन्होंने हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। बॉबी भाई जिंदाबाद। तो आपको लग रहा है कि जीत पाएंगे? लग रहा है, इस बात पक्का है, कंफर्म बिल्कुल लग रहा है। बताओ क्या लग रहा है? जी इस बार बॉबी भाई जीतेंगे। अच्छा, क्योंकि वो छात्रों का जो पूरा बहुमत है वो उनके साथ है, युवा शक्ति बॉबी भाई के साथ है। आप पहली बार वोट देंगे? जी मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, तो आप मुझे ये बताइए कि आप पहली बार वोट दे रहे हैं, आपके दिमाग में क्या क्या बातें हैं? मेरे दिमाग में पहली बात तो यही है, जो छात्रों के लिए खड़ा हुआ है, हमें उस टाइम वो हमारे साथ खड़े हुए जब कोई हमारे साथ खड़ा नहीं था, पेपर लीक जब हुआ था, जब नकल मामला हुआ था, जब पेपर कैंसिल कराए गए थे, उस टाइम बॉबी भाई ने हमारा पूर्ण साथ दिया, तो इसीलिए अब हमारा फर्ज है कि अब हम उनका साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका भी कहना वही है, और बाकी जो है बड़ा मुश्किल है क्योंकि भीड़ भड़ाके के बीच में जाकर के लोगों से बातचीत करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। आगे आ जाओ, देखते हैं कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और राणा जी आप बता गई। अच्छा कुछ और जो है उत्साही युवा हैं, उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है आपको? हमारे ये लग रहा है बॉबी पवार जीतना चाहिए इस बार, बेरोजगार युवा अध्यक्ष बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जी भाई साहब उत्साह तो बहुत दिख रहा है, जोश भी बहुत है, नाच भी बहुत रहे हैं, चुनाव में क्या होगा? जीत भी जाएंगे, चुनाव भी जीत जाएंगे। पक्का? पक्का, जिस हिसाब से लड़कों का उत्साह है और जनता साथ दे रही है तो कंफर्म जीतना ही है बस। अच्छा एक बात बताओ कि लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, एक तरफ पार्टी है बीजेपी जिनकी सरकार है केंद्र में, दूसरी तरफ कांग्रेस भी है। बीजेपी देखो अगर लोग अंधे भक्त होकर वोट नहीं देंगे, अच्छा मतलब क्या मिलेंगे? प्रत्याशी को देख के देंगे कि मतलब ये हमारे लिए ठीक रहेगा। अच्छा। तो चुनाव जीतना ही है बस। अच्छा। बस ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए यार मजेदार चीज है कि हम पहुंच चुके हैं एशले हॉल के बाद जो जगह आती है इधर कांग्रेस भवन सामने है, और यहाँ देखिए हम तो सोच रहे थे इतने ही लोग हैं लेकिन इधर भी भाई बहुत लोग हैं, इधर भी बहुत लोग हैं, कुछ इधर से हैं, हम इधर की तरफ से जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने जो देखा है इस रैली में वो ये कि एक तो जो युवा वोटर है फर्स्ट टाइम वोटर है जो कि टारगेट में रहता है बीजेपी के और मोदी जी के अक्सर, वो बहुत ज़्यादा है और वो कह रहा है कि जो हमारे साथ खड़ा था हम उसके साथ खड़े रहेंगे, मतलब जो पेपर लीक और ये सब चीज़ें हुई जो तब था उसके साथ वो अब रहेंगे। अब आ जाओ कुछ और लोग यहाँ पर है, पोस्टर बैनर भी लिए हुए हैं। अच्छा आप ये देखिए एक भीड़ तो इस तरफ है, कुछ लोग इस तरफ हैं बॉबी पवार और अपने समर्थकों के साथ, तो वहाँ से आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं चौतरफा आना। अब लेकिन फिर से वही बात, बैलेंस बात जो कि हम हर बार बोलते हैं कि भीड़ आपको नॉमिनेशन में तो दिखेगी दिखेगी हर जगह, अब वो वोट में कितनी कन्वर्ट होती है ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अरे देखो, देखो, कौन है? क्या क्या है बॉबी पवार वर्सेस बीजेपी है या कांग्रेस है या तीनों है? युवाओं की दिलकन धड़कन बॉबी पवार, 9 लाख पार 7 लाख पार वोटों से जीतेगा बॉबी पवार, 7 लाख पार वोटों से। आप देख रहे हैं ना ये पैसों की बुलाई भीड़ ली है, ये युवाओं के धड़कन की दिल है, युवाओं के धड़कन के दिल है, ये कोई
किसी की बुलाई भीड़ नहीं है, एक खुद अपने आप यहाँ आए हैं, हम ही के दिलों की धड़कन है। अच्छा ये बताओ कि मुद्दे लोगों के दिमाग में है या मोदी जी के नाम पे वोट देंगे लोग? देखिए अगर लोग ये युवा उमड़ा है तो आप समझ सकते हैं, बॉबी पवार युवाओं की दिलों की धड़कन है, तो उन्हें के चाहे लोग जो चाहते हैं, जन सलाब जो उमड़ा है आप देख सकते हैं, बड़ी बात है बॉबी पवार के जो मुद्दे हैं, प्रदेश के मुद्दे हैं, राज्य के लिए हित के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको जो प्यार भरपूर मिला है, लोगों का आशीर्वाद मिला है, उसको लेकर आप पीछे देखो। चल ठीक है चलो आ जाओ भाई साहब फूल डाल रहे हैं। लड़ाई किस किस के बीच में है, बॉबी पवार बीजेपी कांग्रेस कुछ बताओ? देखो बीजेपी से जो है रानी लक्ष्मी जी ने उनको टिकट दिया है और कांग्रेस से भी दिया गया है और और हमारी जो युवा शक्ति है जो हमने जो खड़ा किया है, हमारी जो युवा शक्ति है उसका नाम है बॉबी पवार, जो कि अभी पूरे भारत में जो है एक यूथ की तरीके से छाया हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा यूथ आ चुका है बॉबी पवार के सपोर्ट में और हम जब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। और बॉबी पवार को इस बार जो है पूरा यूथ का और बुजुर्ग साथी। अच्छा, आपको क्या ये नहीं लगता है कि बॉबी पवार को अगर कांग्रेस या कोई पार्टी टिकट देती तो फायदा होता? नहीं देखो ये कोई पार्टी वाइज नहीं है, ये इनका खुद का कमाया हुआ है। अच्छा। और बच्चों के साथ स्टूडेंट के साथ जेलों की सलाखों के पीछे तक गए हैं, ये जो इन्होंने जो अपने लिए जो मान सम्मान कमाया है ये इनकी खुद की मेहनत है, हमारे दिलों में छाए हुए हैं हमारे बॉबी भाई और हमेशा रहेंगे। और इस बार जो हमारा जो निर्णय है हमने कटर अमल लिया है, इनको जो हमें सांसद में भेजना है वो मोदी के सम्मुख हमारी बात रखेंगे, क्योंकि हम उत्तराखंड सरकार से बहुत परेशान हो रखे हैं और आपने देखा होगा पथराव भी हमारे ऊपर हुआ है, उनको भी हमारे साथ सहने के लिए बॉबी। अच्छा, ये जो भीड़ है युवा बहुत ज्यादा है, ये वही युवा है जिन पे डंडे चले थे पत्थर? ये वही युवा जिनके गांव अभी भी ताजा रह रखे हैं, आप देख सकते हैं सारे युवाओं के गांव अभी ताजा है, जख्म भरे नहीं है, वो जख्म तभी भरेंगे जब बॉबी पवार जो है विजय होंगे, हमारे परिवार वाले हमारे सारे साथी जन सबका जो है यही हुआ है कि बॉबी भाई को इस बार जो है विजय बनाए। ठीक है तो ये है जी, कुल मिलाकर के बात ये है कि बॉबी पवार के आने से इस सीट पर माहौल थोड़ा इंटरेस्टिंग तो हुआ है, बाकी आप देखिए इस धूप में राणा जी हम पीछे फंस तो नहीं जाएंगे, अब देखिए हम जो है आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा एंगल देखने की कोशिश करते हैं जिसमें पूरा दिखे, है ना, अब भीड़ भड़ाका तो काफ़ी ज़्यादा है, दूसरी साइड से हम लोग जाएंगे। राणा जी आगे आ जाओ, आगे से चलेंगे। ये जी हम चढ़ गए अब ऊपर और आगे की तरफ आप देखिए यहाँ आगे से ये रैली शुरू होती है, इसमें महिलाएं भी हैं जौनसार की, और ये देखिए टिहरी लोकसभा का संकल्प बॉबी पवार का होल्डिंग कटआउट और बैनर लिए। बॉबी पवार की फिलहाल जो है नामांकन रैली है ये पहुंच चुकी है यूकेडी के कार्यालय के पास, अब क्योंकि यूकेडी ने टिहरी लोकसभा सीट में बॉबी पवार को अपना समर्थन दिया है, वहां कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, तो यूकेडी के भी कुछ लोग यहां पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। सर आइए सर, सर 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 आप पूर्व सैनिक लग रहे हैं? मैं पूर्व सैनिक हूँ सर, मेरा नाम चित्रापाल सजवाण है और मैं टिहरी संसदीय क्षेत्र का हूँ जी। अच्छा, क्या आप मुकाबला देख रहे हैं इस समय, एक तरफ रानी दूसरी तरफ बेरोजगार? इस समय बेरोजगारी का मुद्दा पहले, राजनीति तो 70 सालों से चल रही है देश के अंदर। अच्छा। लेकिन आज जो उत्तराखंड क्या पूरे देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है और पूरे देश में उभर करके आया है अपना बॉबी पवार उत्तराखंड टिहरी संसदीय क्षेत्र से। इस बार
बॉबी पवार के मुकाबले एक भी कैंडिडेट उत्तराखंड के अंदर नहीं बोले वाला है, ये पूर्व सैनिक का दावा है। अच्छा, आप पूर्व सैनिक हैं जी? बीजेपी कहती है कि पूर्व सैनिक उनके पक्ष में ज्यादातर होते हैं, वोट नहीं हो सकता। आप मुजुम लगाइए ना, अपने पीछे देखिए, सामने देखिए, सारे पूर्व सैनिक इस बार बॉबी पवार के साथ में है। अग्निवीर में बताइए जरा कुछ, क्या अग्निवीर के बारे में अगर हम सही बताएं, दिल से बताएं, तो उत्तराखंड तो बिल्कुल अनाथ हो गया, अनाथ, बिल्कुल अनाथ हो गया है। हमारे हमारा जो उत्तराखंड में सिर्फ एक रोजगार का चारा था, वो था सिर्फ आर्मी, और आज अग्निवीर आकर के पूरा फ्लॉप हो गया है। आज हमारे बेरोजगार नशे की ओर जा रहे हैं, नशे की ओर बेरोजगार हो चुके हैं। देखिए ऐसा ना, फौज में भी उत्तराखंड के, हमारे घर से भी, आपके घर से भी, सबके घर से फौज में होते हैं। अब अग्निवीर पे बीजेपी कह रही है कि वो तो अच्छी बात है। नहीं, कैसे अच्छी बात है? देखिए बीजेपी अपना लॉजिक देखी, लेकिन बेरोजगार आकर के इस बार बता देंगे वास्तव में अग्निवीर उनके लिए कितना वरदान है और कितना अभिशाप है जी। तो अग्निवीर पर वोट पड़ेंगे। अच्छा ये बात बताइए, मूल निवास भू कानून उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, चुनाव तो भले लोकसभा का है, लेकिन दिमाग में है वो मुद्दे? या वो सारे मुद्दे हैं, बहन अंकिता भंडारी का मुद्दा भी हमारे सामने है, भू कानून का है, अस्थायी निवास का है। अब ये सरकार जाके रहेगी, इस बार हम लोकसभा में इसको जवाब देंगे, आने वाले समय में विधानसभा में भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अच्छा एक और चीज ये है कि बीजेपी कहती है कि क्योंकि केंद्र में वही जो है वो है, वो कहती है मंदिर लेकर के आए हैं, राम को लेकर के आए, वो हिंदुत्व वाला मुद्दा आप बात कर दी। ये बताइए मुझे, राम भक्ति आगे है या राष्ट्रभक्ति आगे है? राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। क्या ये सारे राम भक्त नहीं है? ये भी राम भक्त है, लेकिन हमने राष्ट्र की देश सेवा करी है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राम है, हमारा धर्म है, हम मानते हैं, लेकिन वो देश में लाना मुद्दा अच्छा नहीं है। राष्ट्रभक्ति पहले होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति पहले, राष्ट्रभक्ति पहले। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व से पूर्ण रूप से इस वक्त भाजपा को टक्कर दी हुई है, और मैं बहुत खुश हूँ ये बात लेकर के, उत्तराखंड का युवा जो है जाग चुका है। यहाँ की मूलभूत जो हमारी लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई, वो भाई बॉबी पवार लड़ रहा है, इसीलिए जो यूकेडी ने पूर्णतः उनको समर्थन इसमें दिया हुआ है। देखिए जनता ने बदलाव का मन बना रखा है, और लंबे समय से जो राजशाही टीरी रियासत पर चल, टीरी सीट पर चल रही है, तो मुझे लगता है कि जनता ने मन बनाया है कि उसे उखाड़ फेंककर किसी युवा नेतृत्व को, हमारे साथ अगर इतना जनसैलाब आया तो कहीं ना कहीं जनता ने बदलाव का मन बनाया, और ज़रूर बदलाव होगा। देखिए हमारे साथ तमाम वो शक्तियाँ हैं जो प्रदेश हित की लड़ाइयाँ लड़ती है, हमारे साथ तमाम वो शक्तियाँ हैं जो प्रदेश का हित चाहती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सभी शक्तियाँ मिलकर एक बड़ी शक्ति बनेगी और ज़रूर इन लोगों को धराशायी करेगी। ये देखिए अभी इस बैरिकेड के अंदर जो है बॉबी पवार आ चुके हैं, ऐसे होता है जी नॉमिनेशन कचहरी के अंदर, और हम थोड़ा बाहर की तरफ खड़े हैं, हम से तो उन्होंने बोल दिया जो बोलना था, बाकी के लोग खड़े आ गए हैं थोड़ा। हाँ कोई कोई दिक्कत नहीं, और लोग भी यहाँ पर हैं, पूर्व सैनिक आप पूर्व सैनिक हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक तरफ अग्निवीर की भर्ती भी है, उस पर भी सवाल हैं, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है फौजियों के लिए तो एक अच्छी पार्टी मानी जाती है, क्या कहेंगे? यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग केवल जो हमारी जो सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है वो हमें केवल वोट के लिए ही चुनती है, और हमारे लोग उसको वो देते हैं, सहारा देते हैं। लेकिन जो अग्निवीर का आप बात करते हैं, अग्निवीर खासकर उत्तराखंड के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि हमारे युवाओं का जो रोजगार था वो एक सेना भर्ती था, और हर साल हमारे 50 कम से कम 1000 युवा गढ़वाल से और 1000 युवा जो है कुमाऊं से भर्ती होते थे, जो कि आज जीरो है। गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट गौरव साहब, गौरव वो हमारे जीरो हो चुका है। तो इसलिए अग्निवीर भर्ती है हमारे लिए, उत्तराखंड में सबसे बड़ा अभिशाप है, और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि अभी भी विचार करें और सेना को इस प्रकार से, सेना के साथ इस प्रकार से गलत कार्रवाई न करें। अच्छा सेना पर तो आपने बात कर ली, लेकिन बात यह भी है कि केंद्र का चुनाव है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे क्या दिमाग में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? केंद्रीय मुद्दा तो हमारा, जैसे हम वन रैंक वन पेंशन हम लगातार एक साल से लड़ रहे हैं, पूरा जो है उत्तराखंड में गौरव सेना स्टेशन उत्तराखंड लगातार लड़ाई लड़ रहा है, पूर्व सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनाई जा रही है। आया युवा बेरोजगार मूल निवास भूमि सख्त कानून, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह मूल निवास, जो कि
1950 अध्यादेश जो कि पूरे देश में लागू है, केवल एकमात्र उत्तराखंड है जिसमें ये लागू नहीं है। जब हमारा प्रदेश अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से 2000 में, तो हमारा दुर्भाग्य है कि सबसे पहले जब हमारा मुख्यमंत्री मिला वो यहाँ का मूल निवासी था ही नहीं, तो उसे यहाँ का मूल निवासी क्या मिल दो। और आज सबसे बड़ा यह दुर्भाग्य है कि बेरोजगार की सबसे बड़ा कारण ये है। लेकिन अभी अभी एक युवा जो है मसीहा हम बोलेंगे उसका, युवाओं का, गरीबों का, वो आज जैसे मोदी जी निकले थे गरीब से, वैसे ये भी निकल रहा है। ये जरूर इस बात को हमारी जो संसद तक पहुंचाएगा, क्योंकि हम हर समय 5 संसद जो है केवल जो है भारतीय जनता पार्टी जता के वहां भेज देते थे, तो अपनी अपनी जो है सरकार से कैसे आवाज उठाएंगे, कोई मतलब ही नहीं, अपने घर से कौन बात करेगा। इसलिए अभी मैं सारी जो है युवाओं से, खासकर गौरव सेनानी जो उत्तराखंड के हैं, सेवारत सैनिक हैं, गरीब हैं, जो भी बेरोजगार हैं, उनसे एक ही चाहत है, केवल बॉबी पवार अब की बार। ये लोग और ये उत्साह भी है। अच्छा युवा